क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साबित करना है, प्रूफ डेट, इस तरह का आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी इसको देख लिया जाए। सबसे पहले लिखेंगे माना x और y जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग कर रहा है इसके LHS वाले भाग में, यानी कि a यूनियन b क्रॉस c में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लेना होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, है ना, ठीक है। अब यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं कि ये जो x एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में और कॉमा वाई जो है बिलोंग करेगा सी में। इसका मीनिंग है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग, चलिए कार्तीय गुणन का मीनिंग, है ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है ए में, यूनियन है तो आ जाएगा, या x बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक। अब यहाँ पे फिर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू ए कॉमा, बांट देंगे वितरण नियम के द्वारा y बिलोंग्स टू सी, या यहाँ दे देंगे फिर लिखेंगे x बिलोंग्स टू बी कॉमा y बिलोंग्स टू सी। अच्छा यहाँ पे अब ये बन जाएगा कि ये x और y का ऑर्डर पेयर जो होगा ना ये बिलोंग करेगा a क्रॉस c में, इसका मीनिंग यही ना होगा, या यहाँ जो फिर उसी तरह से x कॉमा y का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बिलोंग करेगा b, है ना, क्रॉस सी में, यानी या को जब हटाइएगा तो यूनियन आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, समझ गया ना, या की जगह यूनियन आ गया, इसलिए यहां से आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, समझ गया। उसी तरह इसका सेकंड भी है,